हेलो भाई। तो सुबह के बज चुके हैं 7:35 और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। वैसे तो स्कूल में जाने के लिए ये वीडियो बनाने का स्पेशल पर्पज़ ये है कि आज है फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को आपके लिए आने वाली है 2-3 वीडियो। एक है KVTGT मैथ्स की, KVPRT की, और क्या इंटरव्यू वीडियोज हैं, और एक है DSSB TGT नेचुरल साइंस, बहुत बढ़िया वीडियो। तो ये 3 वीडियो और एक ये था, ये 3 वीडियो शूट हो जाएंगी संडे को, इसलिए स्पेशल दिल्ली जा रहा हूँ मैं। और इसके अलावा पल्लवी मैम का इंटरव्यू यहाँ शूट नहीं हो पाया था, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि शोर शराबे सारी चीज़ें, इसके लिए हमें उनका भी वहीं दिल्ली ही शूट करेंगे। तो ये एक अपडेट थी। दूसरा, आपका जो अभी हमने देखा कि सब वेट कर रहे थे DSSB TGT, इसका DSSB PRT का DOE का रिजल्ट आने वाला था, सब वेट कर रहे थे कि 30 को 31 को इसके आसपास ही आ जाना चाहिए था। ज़्यादा ज़्यादा क्या करता है, 1-2 दिन लेट हो जाता है, उससे ज़्यादा क्या होता। लेकिन हमें एक सरप्राइज मिला कि 17 अक्टूबर उसकी डेट दे दी कि भी तब तक प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए उस डेट तक। लेकिन देखो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इतना लेट वो करेंगे नहीं। जैसे इन्होंने क्या किया था, 31 तारीख दे के 12 तारीख को ही रिजल्ट दे दिया था, तो वो भी 17 दे रखे ना, तो इस महीने में दे देंगे रिजल्ट आपको, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, जो चीज़ हो जा चुकी भाई, वो तो जा चुकी है। अब एग्ज़ाम आपका हो चुका है, रिजल्ट पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे सेव्ड हो चुका है, जहाँ भी मतलब होना है। लेकिन बचा क्या है, आप लोग अभी से मेहनत स्टार्ट कर दो अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की, फिर लास्ट में मेरी तरह 1-1.5 महीने 2 महीने पहले तैयारी शुरू करोगे, बीच में रुक के फिर वही होगा, कुछ मार्क्स से रह जाएंगे हम। तो इससे बेहतर है अभी से स्टार्ट कर दो। और तीसरा टॉपिक एक ये है कि भाई NIOS की वीडियो मैंने कहा था ना आपको, NIOS की क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन हो नहीं पाई। वो क्यों, वो अभी नहीं हो पाई, क्योंकि एक तो मैं यहाँ पर जिस जगह पे हूँ, यहाँ पे मेरे पास वाईफाई नहीं है, वो क्वार्टर्स में ही लगाया हुआ था मैंने। तो इसलिए एक बार हम इस मंथ के मतलब 10 तारीख तक मैक्सिमम शिफ्ट हो जाएंगे, 10 या 15 तक, और फिर आपके लिए वीडियोज क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे हम मिलजुल के। एक और 5 से लेके 12 या 13 तारीख तक मेरा स्काउट एंड गाइड का कैंप लग रहा है, तो उसमें रहना, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत माता की जय। और वीडियोज के लिए वेट करना भी, इंटरव्यू के लिए, और आप किसका इंटरव्यू चाहते हो वो बताना। प्लस कोई बच्चा अगर सेलेक्ट हुआ है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करो। बिकॉज देखो क्या है कि जैसे मान लो पहले मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ नहीं, इसका मतलब है कि पहले मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल गई, मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिल गई, तो मैं एक कदम आगे बढ़ गया, मेरी ड्यूटी बन गई कि मैं पीछे वालों को अपने साथ लेके आऊँ। तो यही आप सबका वो है, अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ करिए, ताकि बाकी बच्चों को वो प्रॉब्लम्स ना हो जो आपको कभी आई है। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत माता की जय, जय श्री राम।